सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, इन्फिनिक्स अपने जीरो सीरीज में एक नए स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर बहुत ही लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स जीरो 30। जी हां दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है वो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स जीरो 20 का सक्सेसर है, जिसके अंदर इस बार आपको काफी सारा अपग्रेड और चेंजेस देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इसकी काफी सारे स्पेक्स और इवन इसका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। तो बात करते हैं स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये इंडिया में कब तक और किस प्राइस में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक वीडियो हम आपको फ्यूचर में दे सके। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का लुक और डिजाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पीछे के साइड में लेदर बैग दिया जाएगा, लेकिन इसका दो नॉर्मल वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें ग्लास बैक पैनल मिलने वाला है जैसा कि आप देख सकते हो। और इस बार कैमरा मॉड्यूल भी बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है, स्क्वायर शेप का, जिसमें ट्रिपल कैमरा लेंसेज होगा। और फ्रंट में इस बार आपको पंच होल वाली एक कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि काफी कमाल की बात है। तो डिजाइन इस फोन के अंदर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 6.78 इंचेस की FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली एक AMOLED डिस्प्ले होगी। और ये 10 बिट का AMOLED पैनल होने वाला है, जिसके साथ मिल जाएगा पूरे 144 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट, और इसी के साथ 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलेगी, तो यहाँ पर जो इसके चिन्ह और बेजल्स होंगे वो काफी पतला और थिक देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी बेस्ट डिस्प्ले रहेगी। चलिए और बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 का पावरफुल 5G चिपसेट, और ये जो चिपसेट है वो सेम चिपसेट है डायमेंसिटी 1100 का, लेकिन इसको फिर से रीनेम करके लॉन्च किया गया है। बाकी यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। एंड रैम स्टोरेज यहाँ पर आपको 8128 एंड 12 to 56 GB तक का अप टू टॉप एंड वेरियंट देखने को मिलेगा। LPDDR4X की रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट मिलने वाला है, एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ XOS 13 पर रन करेगा। और इस डिवाइस आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, तो नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर बात रही इसके कैमरे की, तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा विद OIS के साथ, प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और वहीं फ्रंट साइड में एक सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे आप 4K एट 60fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। तो यहाँ पर इसके फ्रंट से भी आप काफी अच्छी खासी सेल्फीज और वीडियोस निकाल पाओगे। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और इसको चार्ज करने के लिए 68W के फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलने वाला है, और इसी के साथ टाइप सी पोर्ट, 12 स्पीकर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन 2 सितंबर को लॉन्च होगा, और दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस 25,000 के आसपास रहेगी। और वैसे आपकी क्या राय है ये स्मार्टफोन को लेकर, कमेंट बताइएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो। इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।